हाथ को यूं यूं करते रहिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए वहां देख के। आपका पूरा नाम? मोहम्मद अली खान। टेलीविजन के कितने ड्रामों में काम किया? बेशुमार। तालियां। फिल्म में भी बहुत काम किया जी। तालीम? ग्रेजुएशन। आपकी उम्र? 42 साल। 42 साल का आदमी जो है मैच्योर होता है, समझदार होता है। तुम्हें पता होगा, तुम भी तो 42। नहीं, मैं जाहिर है आपसे नहीं, आदमी 30 साल के बाद कहते हैं मैच्योर हो जाता है। 42 साल का आदमी यकीनन मैच्योर होता है। अगर आप हैं मैच्योर तो मैं भी हूंगा। आप हैं ना मैच्योर, तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे टेलीविजन की आज 20वीं सालगिरह है और माशाल्लाह आपकी शादी को भी 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो आप ये बताइए कि इस 20 साल के अरसे में टेलीविजन ज्यादा बदला है या अशफाक साहब? दोनों ही बदल गए जी। गाना गाने में जितनी वर्जिश आप करते हैं इतनी वर्जिश पाकिस्तान का कोई पहलवान भी नहीं करता होगा, और फिर भी जान आपकी ऐसी है। सुबह 6:30 बजे, कुछ 15 साल हो गए मैं भागता हूँ 3-4 मील। सुबह 7:30 बजे 3-4 मील? 6 बजे। जाहिर है इंसान किसी वक्त भी, उस पर बुरा वक्त आ सकता है। नहीं बेटी, इस मामले में हमें अपनी कोताही तस्लीम कर लेने में दम्भे भर का भी उज्र करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हमसे बच्चों का हक अदा नहीं हुआ। हम लोग कुछ अपनी दौड़ में कुछ, मैं ये तो नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं कि कुछ काम करना है, कुछ थोड़ी सी शोहरत भी चाहिए, लेकिन ये जो बुनियादी किस्म के काम है, कौमी मसाइल जो है, इस पे वाकई तवज्जो नहीं दी। और मैं खुद सबसे ज्यादा कसूरवार समझती हूँ, इसलिए कि मुझे बच्चों से प्यार भी बहुत है और ये करना चाहिए इसमें। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो इसमें नाराजगी की तो इतनी कोई बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने भी प्यार से आपको जवाब दिया है। फिरदौस जमाल की पैदाइश के वक्त उनकी वालिदा चाहती थी लड़की हो, वालिद चाहते थे कि लड़का हो। वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी हुई, फिरदौस जमाल साहब तशरीफ ले आए दुनिया में। वालिदा ने अपनी जिद न छोड़ी और नाम रखा फिरदौस। वालिद साहब ने नाम रखा जमाल। सही है ना फिरदौस जमाल? नहीं, ये तो अपनी तरफ से वैसे ही स्क्रीन प्ले बना लिया तुमने। असल बात ये है कि फिरदौस अटक से उस तरफ मुजक्कर हो जाता। मैं गया था यूरोप में, मैंने कांग्रेस से अंग्रेजी बोली। मैं आधे घंटे तक कांग्रेस से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया। आधे घंटे बाद बोला, सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। एक सीन है उसमें आपको ये कहना है कि शैला मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, शैला मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसलिए कि ये मुनासिब नहीं है कि तुम यहाँ आके मुझसे मिलो। ये आपको पूरा अब इस तरह से आप कह जाएं खड़क करके? नहीं, तलत हुसैन साहब के हत्ते लाइनें लगेंगी तो कहेंगे शैला तुम्हें नहीं मालूम मैं। इतनी देर में शैला गुलबर्ग से दूध लेके आ जाएगी। आपके पॉज के बारे में तो सुना है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं आपके पॉज चलते रहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि जब लोग आपको बदतमीजी से पुकारते हैं? कैसे? ए नैयर। और बहरहाल कॉमेडी मेरा अपना एक स्टाइल है और मुझे खुशी है कि मेरे स्टाइल से लोग मुझे पहचानते हैं। कोई ऐसा किरदार जिसने आपको बहुत मुतासिर किया अपने किरदार में? कि जो मैं करता हूँ ड्रामे में, क्योंकि मुझे पुलिस वालों की तरफ से ये ऑफर हुई थी कि आपको SHO ले लेते हैं। अच्छा। मैंने कहा मुझे आने पे कोई इतराज नहीं, लेकिन पैसे बहुत कम है, तो फिर जाहिर है मैं वही कुछ करूँगा जो ड्रामे में करता हूँ। मैं समझती हूँ कि जैसा कि अगर मैं अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चलूँ तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं और हो सकती। मैं समझता हूँ कि उनके शोज जो है ना, जितनी मर्तबा चले कामयाब रहे, जितनी मर्तबा और चलेंगे कामयाब रहेंगे। मेरा ख्याल है आप अलिफ नून की तरफ इशारा करते हैं। ये सही बात है वैसे? हाँ, एक दिन कहा था मुझे। क्या हुआ? क्या साहब ने क्या लगा कि वो न्यूज कास्टर नहीं आया तो बात सुनो भैया, जल्दी से जल्दी बात हो। उस वक्त लाइव प्रोग्राम था, मैंने कहा जी फरमाइए कि ये खबरें पढ़ दो। मैंने कहा जी पढ़ तो दूंगा, यकीन कोई नहीं करेगा। अच्छा एक